गाइस, वेलकम टू टुडेज न्यूज। जान कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है की। आपको कहो ना प्यार है में ऋतिक के छोटे भाई के किरदार में नजर आए बच्चा तो बिल्कुल अच्छे से याद ही होगा। कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी थी और उसमें अमीषा पटेल भी नजर आई। वैसे तो ये अमीषा पटेल की भी डेब्यू मूवी ही थी। दोनों ने ही दर्शकों के दिलों पे पहली ही फिल्म से जादू कर दिया। दर्शक को इन दोनों की जोड़ी काफी पसंद आई। तो वही बात करते हैं आज उस छोटे से क्यूट बच्चे की जिनका नाम है अभिषेक शर्मा। बता दें कि अभिषेक शर्मा ने ऋतिक रोशन के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। उन्होंने कहा कि मेरी दो मेमोरीज है जो मैंने सीखा है ऋतिक के बारे में। वो कहते हैं कि ऋतिक भैया काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थे। जबकि वो पहली बार लॉन्च हो रहे थे फिर भी वो इतने ज़्यादा मेहनती थे कि उन्होंने हर एक डायलॉग्स और हर एक सीन्स के लिए बहुत मेहनत किया। वहीं वो दूसरे एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि राकेश रोशन से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वो कहते हैं कि राकेश अंकल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उस वक्त पे मैं सनी देओल के साथ चैम्पियन भी शूट कर रहा था और मुझे सेट पे आने में देर हो गई थी तो लाइंस बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और मैंने राकेश अंकल को बोला था कि मुझे हीरो बनना है। तो इस पे उन्होंने मुझसे कहा कि पहले लाइंस बोलना सीखो। मुझे बहुत रोना आया, फिर मुझे ऋतिक भैया ने समझाया। अगले दिन जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैंने अपनी लाइंस बहुत अच्छे से बोली। राकेश अंकल खड़े होकर मेरे लिए क्लैप कर रहे थे। ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटेड था। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।